हेलो। हाँ सर, पढ़े थे लास्ट क्लास में? सर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग चल रहा था। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। चलो, स्टैटिक्स खत्म हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फ्लूइड डायनेमिक्स, और फ्लूइड डायनेमिक्स में देखना टाइप्स ऑफ फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लो सीडी का अपोजिट होता है अनस्टेडी, तो एक डिस्कस कर लिया, दूसरा अपने आप ऐसा स्टेडी फ्लो में लिखना। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो, दिस टाइप ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ क्या आपकी आवाज बहुत धीरे है? इन दिस टाइप ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट ए गिवन पॉइंट एट ए गिवन पॉइंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है एक पाइप से, इस लोकेशन पे जा करके देखा पॉइंट वन पे, यहाँ पे वेलोसिटी होगा कुछ, प्रेशर होगा, ठीक है? तो वेलोसिटी, प्रेशर या डेंसिटी और भी कैरेक्टरिस्टिक जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अभी जा करके देखा वेलोसिटी भी है, कुछ देर बाद भी जा करके देखा वेलोसिटी कितना है, भी है। उसी तरीके से प्रेशर और डेंसिटी इस पॉइंट का क्या है, कॉन्स्टेंट रह रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए टाइप टू, स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो लिखना। इन दिस टाइप ऑफ फ्लो, दिस टाइप ऑफ फ्लो This type of flow, all the particles, this type of flow, all the particles passing through, all the particles passing through, passing through a given point, passing through a given point, all the particles passing through a given point. Follow same path follow same path full stop this path followed by this path followed by this path followed by fluid particles This path followed by fluid particles, followed by fluid particles is known as streamline. Is known as streamline. Is known as streamline.
stop. Tangent on. Tangent on these lines. Tangent on these lines. Give direction of. Give direction of. Tangent on these lines. Give direction of. Fluid particle. Direction of fluid particle at a given location. At a given location. उसमें समझना क्या है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जनरली जो भी यहाँ फ्लो होता है वो कंटेनर के शेप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ये एक पॉइंट है फ्लो में, कहीं भी फ्लो पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं और मान लें यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट फ्लूड पार्टिकल्स पास कर रहे हैं, जो भी फ्लूड पार्टिकल्स पास कर रहा है उसके लिए एक पाथ है। यहाँ से जो भी पास करेगा फ्लूड पार्टिकल्स वो इस पर्टिकुलर पाथ को ही लेके फॉलो करेगा। जो भी इस पॉइंट से पास कर रहा है फ्लूड इधर, बाकी पॉइंट का मतलब नहीं है, हम किस पॉइंट का मतलब ले रहे हैं, ये जो पॉइंट है पी डैश, पी डैश से जितना भी पार्टिकल फ्लो होगा, जितना भी पार्टिकल पास करेगा सबका सब कौन सा पाथ लेगा, ये जो पाथ मैंने ड्रॉ करा है सेम पाथ फॉलो करेगा। और इस पाथ को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। और इस स्ट्रीमलाइन पे कहीं भी टेंजेंट डालोगे, मान लो यहाँ पे टेंजेंट डाल रहे हो तो इस डायरेक्शन पे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी क्या होगा, ये होगा। तो इसका प्रॉपर्टी है कि एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा पार्टिकल, जैसे इस लोकेशन से जितने भी पार्टिकल जाएंगे, ये जो प्रॉपर लोकेशन है यहाँ से जितने भी पार्टिकल जाएंगे सारे के सारे ये पाथ फॉलो करेंगे। पाथ को स्ट्रीमलाइन के नाम से जानते हैं। और स्ट्रीमलाइन का प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पे टेंजेंट डालोगे तो क्या दे देगा, वहाँ का वेलोसिटी दे देगा। जैसे यहाँ पे अगर टेंजेंट डालेंगे तो इधर पार्टिकल वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड टाइप। In this type of flow, in this type of flow, this type of flow, layers of fluid do not intermix. In this type of flow, layers of fluid do not intermix to each other. They slide over each other smoothly. इसमें क्या होगा, जितने भी layers है, जैसे fluid flow हो रहा है, इस given regions है, fluid लेयर्स के फॉर्म में फ्लो होता है, जो भी लेयर्स होगा वो एक दूसरे के ऊपर स्मूथली क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, ताकि उनका इंटरमिक्सिंग ना हो। जैसे ये लेयर इसमें मिक्स नहीं करेगा, ये लेयर इसमें मिक्स नहीं करेगा, या किसी भी लेयर का मिक्सिंग जब नहीं होता है वैसे टाइप को क्या बोलते हैं, लैमिनार फ्लो बोलते हैं। और अगर मिक्सिंग हो रहा होता है तो ये किस टाइप में चेंज हो जाएगा, टर्बुलेंट में, तो उसके नीचे लिख देना अदरवाइज। Otherwise it is known as turbulent flow. Layers का intermixing होगा, जो भी particles को अगर देखोगे, जैसे इसमें क्या था, एक particle को पकड़ा तो वो जो particle है, जो जितना भी particle इधर से pass करेगा वो इस path को follow करेगा, मतलब streamline भी follow करता है। turbulent flow में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन पाथ होता है, लेकिन जो भी तुम्हारा टर्बुलेंट फ्लो है वहां पे अगर एक पार्टिकल को देखोगे तो उसका मोशन जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, जिगजैग पाथ होगा, वो कब किधर होगा
उसके बारे में तुम प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि लेयर एक दूसरे में मिक्स होते हुए चलते हैं। नेक्स्ट लिखना, इसी में टाइप्स ऑफ लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। टाइप्स ऑफ लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो इज डिसाइडेड बाय टाइप्स ऑफ लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो इज डिसाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, डिसाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर, समझेंगे रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर से डिसाइड करते हैं कब क्लोज होगा वो लैमिनार होगा और कब टर्बुलेंट होगा। देखना, इट इज रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू विस्कस फोर्स। हमारा रेनॉल्ड्स नंबर ये क्या होगा, आर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स, विस्कस फोर्स, लेकिन ये फॉर्मूला याद नहीं रखना हमें, जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है पाइप फ्लो। जब पाइप से कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा तो कब लैमिनार के कैटेगरी में रखेंगे, कब उसको टर्बुलेंट के कैटेगरी में रखेंगे, इसी को जब रिड्यूस किया गया है तो हमारे पास सर्कुलर पाइप के लिए एक फॉर्मूला आता था, लेकिन फॉर सर्कुलर पाइप रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन एज, फॉर सर्कुलर पाइप रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन एज रो क्या तुम्हारा डेंसिटी फ्लूइड का, डी वेलोसिटी है, डी डायमीटर, और क्या यूनिफॉर्म अभी तो एक
on increasing velocity gradually. On increasing velocity gradually. सर प्लीज फिर से रिपीट कर देंगे क्या रिपीट कर देंगे प्लीज ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्रेजुअली ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्रेजुअली फ्लो चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो चेंजेस फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट full stop maximum velocity the maximum velocity up to which the maximum velocity up to which the maximum velocity up to which flow is laminar the maximum velocity up to which flow is laminar is known as critical velocity और भी टाइप्स होते हैं जैसे कंप्रेसिबल फ्लो हो गया या इनकम्प्रेसिबल फ्लो रोटेशनल या इरोटेशनल फ्लो हो गया रोटेशनल फ्लो जो होगा उसमें पार्टिकल जो भी होंगे मैं रोटेट करेंगे जैसे ये पार्टिकल की बात करोगे तो क्या होगा इसका रोटेशन होगा वैसे ही इरोटेशन अगर तुम्हारे पास इरोटेशनल फ्लो है तो पार्टिकल ट्रांसलेट करेगा होंगे एक स्ट्रेट लाइन पे मे बी कर्व पे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और दूसरा टाइप जैसे कंप्रेसिबल फ्लो है इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो कंप्रेसिबल फ्लो का जो डेंसिटी होगा वो वेरी करेगा पोजीशन टू पोजीशन जैसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जाकर देखोगे तो वहाँ का डेंसिटी फिर कहीं आगे जाकर के देखोगे वहाँ का डेंसिटी क्या होगा वेरी करेगा जब डेंसिटी वेरी करता होगा तो उस टाइप के फ्लो को क्या बोलेंगे कंप्रेसिबल और जब कॉन्स्टेंट रहेगा तो इनकम्प्रेसिबल बोलते अगेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे क्या हो सकता है रोटेशन हो सकता है रोटेशन नहीं हो सकता है रोटेशन नहीं होगा तो फिर कौन सा टाइप बचेगा मोशन का दो ही टाइप तो है पढ़े हो यार तो फिर उसमें ही है नेक्स्ट हेडिंग लिखना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है जैसे अगर कोई भी पाइप है तुम्हारा यहाँ से जितना मास इन करेगा उसको फ्लो रेट बोल सकते हो उतना ही मास क्या करेगा बाहर जाएगा क्योंकि पाइप में जो मास होता है वो जमा नहीं होता इकट्ठा नहीं होता कभी पाइप में जब फ्लो होगा तो जितना मास इधर से आ रहा होगा उतना ही मास क्या होगा जाएगा भी क्योंकि इधर तो कहीं टैंक लगा नहीं हुआ कि इधर मास इकट्ठा हो जाए अगर मास इकट्ठा होने लगेगा तो क्या करेगा पाइप फट जाएगा तो इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी अब इस कंटिन्यूटी के लिए क्या आएगा एक इक्वेशन आएगा जो जस्टिफाई करेगा किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए कि जितना मास आ रहा है उतना मास क्या होना चाहिए बाहर जाना चाहिए कि जिस किसी भी पाइप में जितना मास आ रहा है उतना मास क्या होना चाहिए बाहर जाना चाहिए तो लिखना इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल इनकमिंग मास during a given period incoming mass during a given period must be equal to
mass be equal to outgoing mass. Outgoing mass. Outgoing mass in that period. In that period. That is the rate of incoming mass. That period, that is rate of incoming mass, must be equal to rate of outgoing mass. Rate का मतलब क्या होता है? dm by dt. या सिंबल यूज होता है मास के ऊपर अगर डॉट लगा हुआ, इसका मतलब क्या है? ये रेट रिप्रेजेंट करता है. न्यूटोनियन सिंबल है. न्यूटन में कोई भी अगर ऐसा टर्म है जैसे dm by dt है या फिर dx by dt है, इसको शॉर्ट फॉर्म में m डॉट लिख सकते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में x डॉट लिख सकते हैं. ये सारे न्यूटोनियन सिंबल. m डॉट इन किसके बराबर होगा? m डॉट आउट. अब इसी को हम चेंज कर सकते हैं एरिया एंड वेलोसिटी के टर्म में. जैसे यहाँ का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर यहाँ का ए वन है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है? वी वन. पॉइंट की डेंसिटी अभी ले रहे हैं रो वन. सिमिलरली अगर यहाँ का एरिया ए टू, वेलोसिटी वी टू और डेंसिटी कितना ले रहे हैं? रो टू. तो इस एम इसको क्या ले सकते हो? मास होता क्या तुम्हारा? रो इंटू वॉल्यूम इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया. रो इंटू वी मास होगा, रो इंटू वी होगा. और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम को लिख सकते हैं रो इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू डी एक्स. जो भी तुम्हारा वॉल्यूम है, एरिया इंटू क्या कर लेंगे? अगर मल्टीप्लाई कर दे एक्स से, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम दे देगा. अब एम डॉट क्या हो जाएगा तुम्हारा? इट विल बी रो इंटू ए इंटू डी एक्स बाई डी टी. और ये डी एक्स बाई डी टी को किसमें चेंज कर देंगे? वेलोसिटी में चेंज कर देंगे. तो उस पॉइंट के वेलोसिटी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मास फ्लो रेट चाहिए, इसलिए यहाँ क्या लिख सकते हो? रो वन ए वन इंटू वी वन. वी वन वेलोसिटी है. सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो? रो टू इंटू ए टू इंटू वी टू. और अगर तुम्हारा फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, और इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल फ्लो मतलब डेंसिटी वेरी नहीं करेगा. हर पॉइंट पे डेंसिटी क्या होगा? सेम होगा. इनकम्प्रेसिबल फ्लो रो वन बराबर हो जाएगा रो टू के. तो यहाँ से रो वन कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू. और इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस किस कंजर्वेशन के बेसिस पे? मास प्रोडक्ट होता है. ये क्या तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया? पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है गिवन लोकेशन पे, उस लोकेशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द पाइप. अगर क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा. क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए.
नेक्स्ट लिखेंगे बर्नौलीज़ थ्योरम। So, ये STD के बाद एंड के बाद क्या लिखे हैं? Irrotational. ये assumptions है, कोई भी fluid जो इसको follow करेगा incompressible होगा, साथ ही साथ कैसा होना चाहिए non viscous, तो non viscous fluid nature में exist करता नहीं करता, यानी ये जो भी Bernoulli's theorem है ये क्या ideal है, ठीक है, तो steady भी होना चाहिए साथ ही साथ irrotational भी होना चाहिए, अगर इस तरीके का सारा nature वो follow कर रहा है तो फिर उसमें क्या होता है longest streamline या किसी भी streamline path के along जो energy होगा एनर्जी पर यूनिट टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल रिमेन व्हाट कांस्टेंट, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अलोंग अ स्ट्रीम लाइन remains constant, longest streamline remains constant, और अगर यहाँ पे total energy की बात करें नीचे लिखना parachute layer total energy में क्या कर रहा है हमारा kinetic energy प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस एक नया टर्म आएगा जिसको क्या बोलेंगे सो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाँ लेकिन यहाँ पे तुम्हें टोटल काइनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत किसके काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो सकता है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, चलो पोटेंशियल एनर्जी के बाद क्या लिखें, प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी देखोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा mgh, ठीक है, एक ही पोटेंशियल एनर्जी आएगा, हाइट के वेरिएशन भी करते यहाँ पे इलास्टिक टर्म बात नहीं करेंगे, और अगेन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा तो
भी प्रेशर एनर्जी होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। किसी पॉइंट का प्रेशर एनर्जी चाहिए तो क्या करना है, उस पॉइंट का प्रेशर इनटू उस पॉइंट का वॉल्यूम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या दे देगा, प्रेशर एनर्जी दे देगा। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, प्रेशर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के बराबर हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसके प्रेशर के बराबर है। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या लिख सकते हो, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा तुम्हारे, हाफ बी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अकॉर्डिंग टू पढ़ना होगा ये चीज क्या होना चाहिए लॉन्गेस्ट स्ट्रीट में, कॉन्स्टेंट होना चाहिए, सो अकॉर्डिंग टू पढ़ना होगा। हाँ सर, हाँ सर, और एक लाइन में बर्नौली थ्योरम बोला जाए तो दिस इज व्हाट, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो वी एच, यहाँ पे जो भी एनर्जी आएगा उसका यूनिट क्या होगा, जो भी टर्म है को पर यूनिट मास के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो सेम इक्वेशन है, इट कैन आल्सो बी रिटन इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट मास। सो वॉल्यूम तो है पहले से, रो से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, पी बाई रो प्लस वन बाई टू बराबर। यहाँ पे जो भी टर्म देखोगे, प्रेशर एनर्जी किस टर्म में, जूल पर केजी के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी भी किस टर्म में है, जूल पर केजी, और ये वाला टर्म भी किस में है, जूल पर केजी के टर्म में। सबका यूनिट सेम है तभी उसको क्या कर पा रहे, ऐड कर पा रहे, अगर सेम नहीं होता तो ऐड नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट इसका टर्म होता है, इन टर्म्स ऑफ जूल पर वेट, जूल पर न्यूटन या जूल पर वेट, अगर इसको ले वेट में क्या होगा, जी से भी डिवाइड हो जाएगा। पहले मास में था, पहले हमने वॉल्यूम से करा तो नीचे वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं, पर यूनिट मास कर रहे हो तो नीचे क्या डिवाइड कर रहे हो, मास से डिवाइड कर रहे हो। अभी वेट है तो किससे डिवाइड करेंगे, एमजी से डिवाइड करेंगे, तो जब एमजी से डिवाइड करते हो तो यहाँ तक तो एम से डिवाइड हो गया, इसमें बस क्या कर दो, जी से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा पी बाई रो जी प्लस वन बाई टू स्क्वायर बाई जी प्लस एच, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा।
कौन सा टर्म? वेट वाला, ये वाला, यहां तक समझ में आ गया ना? इसमें किससे डिवाइड किए हो? एनर्जी डिवाइडेड बाई, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास करेंगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, ये वाला टर्म मिला ना, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास करती है। अभी काइनेटिक एनर्जी बाई एमजी करोगे, ये वाला मिलेगा। वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इंडिविजुअल में डिवाइड करके सोचो, इसमें डिवाइड करोगे तो इसमें डिवाइड क्या मिलेगा? एम कैंसिल आउट हो जाएगा, जब मास से डिवाइड करेंगे, वेट से डिवाइड करेंगे तो जी भी कैंसिल आउट होगा। लेकिन जिसके पास जी नहीं है उसके लिए क्या हो जाएगा? नीचे आकर के अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ईच जो टर्म है इसको हेड के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें क्या है ना, जो भी एनर्जी, अगर किसी भी एनर्जी को तुम लिखते हो हाइट के टर्म में, एनर्जी को किस टर्म में लिखते हैं? हाइट के टर्म में, तो उसको बोलते हैं हेड, हेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ये जो टर्म है ये क्यों आया? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म चलते आए, एच जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है? एम जी, एच को एम से डिवाइड करा, फिर जी से डिवाइड करा तो एच दिखा, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हेड। एच क्या है तुम्हारा? पोटेंशियल एनर्जी हेड। यानी हेड कब दिखेगा? व्हेन एनर्जी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? जूल पर, जैसे ये जूल पर वेट जो है या जूल पर न्यूटन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये जो पूरा यूनिट आएगा ये आएगा मीटर। क्योंकि जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। डिवाइड किससे कर दिए? न्यूटन से करते हैं। यूनिट क्या बचा? मीटर। और यहाँ पे जो भी एनर्जी अगर मीटर के टर्म में उसको लिख रहे हैं तो क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। अब इसमें तीन टर्म है जिसमें सबका यूनिट किसका है, मतलब यहाँ से जो यूनिट आएगा ना वो यूनिट क्या आएगा? मीटर आएगा। यहाँ जो भी एनर्जी है उसको किस टर्म में लिख रहे हो? मीटर के टर्म में लिख रहे हो, इसको हेड भी बोलते हैं। और तीन टर्म है तो तीनों के लिए अलग अलग नाम आएगा, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी है। एच क्या रिप्रेजेंट करेगा तुम्हारा? पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इज रिटन इन टर्म्स ऑफ लेंथ। वैसे ये जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या देगा तुमको? काइनेटिक एनर्जी हेड देगा। सेकंड टर्म इज काइनेटिक एनर्जी। वैसे ये जो तीसरा टर्म है दिस इज प्रेशर एनर्जी। इसका भी अगर सिंप्लीफाई करोगे यूनिट आएगा किसमें? मीटर में, क्योंकि तीनों मीटर में है ना, तभी इसको क्या कर पा रहे हैं? ऐड कर पा रहे हैं। प्रेशर एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली स्टूडेंट। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली स्टूडेंट। पहला एप्लीकेशन इसका यूज होता है सेंचुरी मीटर में। इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर which is used to measure volume flow rate which is used to measure volume flow rate through a given pipe
वॉल्यूम फ्लो रेट का क्या मतलब है? वॉल्यूम फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसका मतलब होता है डीवी बाई डी टी, ठीक है, और क्यू बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी के, क्योंकि ये मास को हमने किससे डिवाइड करा था, मास को डिवाइड कर दो रो से तो किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर, एम डॉट को रो से डिवाइड करोगे तो ए बी के बराबर होगा, और ये क्या है तुम्हारा डी डॉट है, डी डॉट मतलब डी बी बाई डी टी, और डी डॉट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं क्यू से। तो कभी भी फ्लो मेजर करना होता है किसी पाइप से, अगर फ्लूड फ्लो हो रहा है तुम्हें चाहिए कि इसमें जो फ्लो है उसका रेट क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, तो हम क्या यूज करते हैं वेंचुरी मीटर यूज करते हैं। वेंचुरी मीटर को क्या करना होता है, पाइप कहीं ले जा करके पाइप के इन बिटवीन फिक्स कर देते हैं, और जब फिक्स कर दोगे वहां से जो रीडिंग आएगा दैट विल डायरेक्टली गिव यू द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू द गिवन पाइप। इसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल शेप में आ जाएगा। अब दो पाइप लगे होते हैं, एक जो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है वहां पे ट्यूब लगा रहेगा, और एक ट्यूब जहाँ पे सबसे छोटा डायमीटर यहाँ पे लगा, ठीक है। अब इधर से जब फ्लो होगा क्रॉस सेक्शन वन, और ये क्रॉस सेक्शन क्या है तुम्हारा, अब इसमें क्या होता है वन एंड टू का देखोगे, यहाँ से भी फ्लो हो रहा है और यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, यहाँ का एरिया ए वन, यहाँ का एरिया ए टू, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, लेट दैट वेलोसिटी इज ए वन, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है इस पॉइंट का कुछ प्रेशर होगा उसको पी वन से लिख रहे हैं, और यहाँ का कुछ प्रेशर होगा किससे लिख रहे हैं पी टू से, ठीक है। अब देखो पाइप अगर हॉरिजॉन्टल है, ये जो भी पाइप तुमने लगा करके रखा है अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हाइट में चेंज कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का अगर हाइट h1 ले रहे हो तो यहाँ का भी हाइट कितना होगा h1 ही होगा, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल पाइप रखोगे एक स्ट्रीम लाइन, मान लो ये स्ट्रीम लाइन है कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इसका हाइट में जो डिफरेंस यहाँ पे है और यहाँ पे जो हाइट में डिफरेंस होगा क्या होगा जीरो होगा, जिसके चलते पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म क्या आएगा गायब हो जाएगा। अगर इसी को ऐसे ये इंक्लाइंड करके रखते हैं, इंक्लाइंड करके रखोगे तब तुम्हें इफेक्ट दिखेगा मेरी इसका और इसका, क्योंकि उसके चलते क्या आएगा हाइट, इसका हाइट बढ़ जाएगा, सेक्शन छोटा कर देंगे तो हाइट बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ेगा अगर इस पॉइंट की बात कर रहे हो, सेक्शन छोटा कर देने से हाइट थोड़े फ्लूड का बढ़ जाएगा, हाइट कहाँ से ग्राउंड से मेजर करेंगे ना, ग्राउंड से मेजर करोगे तो कितना ही हाइट हो जाएगा, क्या ऊपर ले लो, हाँ स्ट्रीमलाइन ऐसे घूम के आएगा, हाँ तो ये डिफरेंस कितना ही कितना बड़ा हो जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको देखोगे तो इफेक्ट पड़ेगा। हाइट का जो भी रेफरेंस है वो कहाँ से, ग्राउंड से अगर ले रहे हो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मान लो किसी ने बोला सर हम यहाँ एक फ्लूड लिए थे और वो फ्लूड दब के इधर आ गया, तो ये हाइट जो आएगा ये बहुत ही छोटा आएगा, तब फर्क नहीं पड़ेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसलिए जब हॉरिजॉन्टल पाइप लेंगे तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को नेग्लेक्ट करेंगे, डेंसिटी कभी अलग हो गई, डेंसिटी अलग हो जाएगा तो फिर बर्नौली लगा ही नहीं पाएंगे, नहीं चेंज करता है डेंसिटी, डेंसिटी क्यों चेंज करेगा, डेंसिटी अगर चेंज हुआ तो फ्लो कैसा हो गया, कंप्रेसिबल हो गया, और अगर कंप्रेसिबल होगा तो फिर बर्नौली लगेगा, नहीं लगेगा तो फिर लगा ही नहीं पाएंगे, बर्नौली क्यों लगाएंगे, फिर कंप्रेसिबल फ्लो नहीं है तुम्हारा, इनकंप्रेसिबल फ्लो है, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर चेंज होंगे, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, एरिया चेंज हो सकता है, प्रेशर चेंज होगा, और अगर इंक्लाइन प्लेन करके रखते तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होता, हमने इंक्लाइन करके नहीं रखा इसलिए पोटेंशियल का जो भी चेंज है उसको क्या करेंगे नेग्लेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी, अगर मास कंजर्वेशन से देखोगे, मास कंजर्वेशन से तुम्हें क्या दिखेगा, मास कंजर्वेशन जिसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है, ए वन बी वन बराबर होगा ए टू बी टू के, यही तुम्हारा क्यू है, लेकिन यहाँ पे बस तुम्हें एरिया पता है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया पता है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया पता है,
ये नॉर्मल एरिया है, रीडिंग देकर रखे रखेगा वेंसुरी मीटर पे। यहाँ जो थ्रोट है इसको थ्रोट बोलते हैं, जहाँ पे एरिया सबसे कम होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोट। सो थ्रोट का भी एरिया देकर के रखेगा, लेकिन ना तो इस पॉइंट यहाँ की वेलोसिटी तुमको पता है, ना तो वी टू यहाँ का पता। अगर वी वन वी टू पता ही रहता तो फिर क्यों निकल जाता, उसी के लिए ये सारा अरेंजमेंट करा गया। अब देखो अभी जो इक्वेशन है तुम्हारा बर्नौली इक्वेशन, वहां से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ लिक्विड राइज करके रखेंगे, यहाँ पे लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। सिमिलरली इस पाइप में भी क्या करेगा, लिक्विड राइज करेगा। अब बर्नौली इक्वेशन से देखोगे, फ्रॉम बर्नौली इक्वेशन या फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन क्या दिखेगा तुम्हें, अगर पॉइंट वन का एनर्जी लिखोगे, पॉइंट वन का एनर्जी क्या होगा, पी वन प्लस वन बाई टू रो वी वन स्क्वायर। हाइट वाला टर्म नहीं है तो हाइट वाला टर्म नहीं लिखते, बराबर किसके होगा, पी टू प्लस हाफ रो पी टू स्क्वायर, ये तुम्हारे पास। अब देखो यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ पे अगर उससे कंपेयर करोगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, तो यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बड़ा है इसके रिस्पेक्ट, सॉरी हाँ इसके रिस्पेक्ट में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, बड़ा है। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, छोटा होगा इसके रिस्पेक्ट में। यानी एक चीज इस डायग्राम को ही देख के बता सकते हो कि v1 इज लेस देन व्हाट, v2, v1 इज लेस देन v2। तो यहाँ पे देखोगे तो p1 जो होगा और p2 जो होगा उसमें रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि v1 इज लेस देन v2 है। तो पॉइंट वन पे जो प्रेशर होना चाहिए टू के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है कम है। इक्वेशन अगर यूज करते हैं कौन सा, एनर्जी इक्वेशन, तो वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जब तब दोनों साइड बराबर होगा ना। और जब प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होगा तो राइज होगा जो लिक्विड लेवल में हो, क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे भी प्रेशर पी नॉट होना चाहिए, यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है। नीचे की तरफ आओगे तो ये हाइट का जो डिफरेंस है वही दे देगा इस पॉइंट का प्रेशर। यानी P1 अगर तुमको लिखना है इट विल बी व्हाट, अगर P1 तुम लिखना चाहोगे ये हाइट कितना होगा, ये हाइट मान लो H1 है। सो P1 कैन बी रिटन एज P0 प्लस रो G H1, ये पढ़े हैं किधर, जो वर्टिकल वाला है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है प्रेशर का, यहाँ पे जो वैल्यू है हाइट, नेट H हाइट नीचे आओगे तो क्या दिखेगा, P0 प्लस। सिमिलरली अगर ये हाइट H2 है, ये हाइट कितना है H2 है, और यहाँ का भी प्रेशर कितना होगा, P0 होगा। नीचे आओगे इस पॉइंट का प्रेशर कितना मिलेगा, P2। So P2 will be what? P0 plus G H2। अब यहाँ से तुमको साफ साफ दिख जाएगा कि H1 और H2 में कौन बड़ा होगा, H1 और H2 में कौन बड़ा होगा, H1 बड़ा होगा। यानी अगर जो ट्यूब यहाँ पे लगाए हैं सेंचुरी मीटर में, जो ट्यूब यहाँ लगाए, इस ट्यूब का काम ही होता है प्रेशर मेजर करना हाइट के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे कैलिब्रेशन होगा। उस कैलिब्रेशन के रेस्पेक्ट में तुम क्या बता सकते हो कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, बता सकते हो कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो ये जो डिफरेंस आएगा ना प्रेशर का, वही क्या किसके बराबर होगा, वही बराबर होगा जैसे दिस माइनस दिस कर रहे हो, दिस माइनस दिस, तो पी नोट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दूसरा यहाँ से अगर देखोगे तो एक इक्वेशन आएगा जो बताएगा डिफरेंस इन प्रेशर P1 माइनस P2 जो किसके बराबर है, 1 बाई टू रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन आया जो प्रेशर का डिफरेंस बता रहे हैं। और एक हमने क्या करे, ये सारे कैलकुलेशन के पार्ट है, ये जो चीज है ये किसका पार्ट है, कैलकुलेशन का। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व कहाँ करोगे, इधर जब भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो ये हाइट कॉलन डिफरेंस आएगा, और उस हाइट कॉलन डिफरेंस से भी क्या मिल जाएगा तुमको, प्रेशर का वेरिएशन मिल जाएगा। यानी अगर इधर से देखोगे एंड P1 माइनस P2 जो होगा क्या होगा, रो जी डेल्टा एच के बराबर होगा। P1 माइनस P2 क्या होगा, रो जी डेल्टा एच के बराबर होगा, जहां पे डेल्टा एच तुमको पता है, डेल्टा एच क्या है तुमको पता है, क्यों पता है, क्योंकि वेंचुरी मीटर में अब साफ साफ दिख रहा है कि इसमें कितना वाटर लेवल राइज हुआ है, इसमें कितना वाटर लेवल राइज हुआ है, यहाँ स्केल लगा होता है, स्केल लगा होगा, वहां से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा एच कैलकुलेट कर लेंगे, जहाँ पे ये तुमको इक्वेशन नंबर टू है। अब इक्वेशन वन एंड टू दोनों में से प्रेशर को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे हाइट के टर्म में। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर यूज करोगे तो तुम्हें अब यहाँ से क्या दिखेगा, सो
हाफ वी वन वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बराबर किसके होगा वी डेल्टा एच के। इक्वेशन नंबर ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर थ्री आएगा और ये है तुम्हारा। अब देखो यहाँ पे वी वन वी टू का रेशियो मिल गया, मतलब रिलेशन मिल गया, यहाँ पे भी वी वन वी टू का रिलेशन है। अब दोनों को यूज करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो वी वन कैलकुलेट कर लो या तो वी टू कैलकुलेट कर लो, दोनों में से कोई भी अगर एक तुमने कैलकुलेट कर लिया, पुट करोगे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। तो अब यहाँ से यहाँ तक पहले लिखो, फिर उसके बाद से प्रोसेस करेंगे। नीचे वाला स्मॉल एच और ऊपर वाला एच वन से कंफ्यूज मत हो जाना। नीचे वाला जो स्मॉल एच लिखा हुआ है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना हाइट है किसका, ट्यूब का, ट्यूब कितना हाइट ऊपर प्लेस किया गया हुआ है वो है। और जो एच वन एच टू है वो कॉलन हाइट है, फ्लूइड कितना राइज कर रहा है, और उन दोनों में डिफरेंस जो है उसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो गया जल्दी करो तो। ये सब चैप्टर बड़ा बड़ा है लेकिन इसमें इस इधर से क्वेश्चन बहुत कम आता है, कभी कभी पूछता है कभी कभी नहीं पूछता है, शायद लास्ट ईयर तो पूछा भी नहीं कुछ। ये जो है कंटिन्यूटी इक्वेशन को उठा करके जब तक क्या नहीं पुट करोगे तब तक तुम वी वन वी टू नहीं निकाल सकते। जब भी बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं कहीं अटक गए, मतलब एक इक्वेशन है कितने अननोन हो गए, दो अननोन हो गए, तो किसका हेल्प लेते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। जब भी बर्नौली कहीं फंस जाता है तो फिर उसको निकालने के लिए
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, 1/2 जो भी तुम्हारा v2 है, v2 की जगह क्या लिख सकते हैं, v2 की जगह लिख सकते हैं a1/a2 इंटू v1 का होल स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, डेल्टा a के। सो अगर v1 कॉमन करोगे, v1 स्क्वायर कॉमन करोगे तो इधर बचेगा a1 माइनस a1/a2 स्क्वायर माइनस 1 2gh, अब 2g डेल्टा h। v1 अब तुमको यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा कि जो भी v1 है वो कितने के बराबर होगा, v1 can be written as root over 2g delta h divided by a1 square minus a2 square, और ये जो टर्म है ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर है a2 इधर बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा वेलोसिटी देगा 0.1। देखो इसमें जितनी भी चीजें है ना सबका सब नोन है, ये तुम्हें कैसे पता चला, ऑब्जर्वेशन से। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ये जो है नॉर्मल पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया, A2 क्या है थ्रोट का एरिया, तो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, B1 मिलेगा। अगर V2 कैलकुलेट करते तो सब चीज सेम रहता, यहाँ बस A1 आ जाता। V2 कैलकुलेट करते तो क्या होता, इधर अंदर वाला पार्ट सब चीज सेम रहता, ये जो बाहर वाला टर्म है ये क्या हो जाता, ये बस A1 हो जाता। तो जब V1 निकालते हैं तो बाहर जो एरिया आता है A2 होता है, अंदर वाला ये पार्ट पूरा सेम रहता है। तो यहां से अगर Q कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, सो Q इज इक्वल टू, अब इसी में एरिया 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया 1 से मल्टीप्लाई करोगे a1 b1, तो b1 तुमने कैलकुलेट करके रखा है, तो भी a1 a2 तो रूट ओवर 2g डेल्टा h डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि दोनों एरिया का मल्टीप्लाई रूट के अंदर 2gh, और इधर है ग्रेटर एरिया का स्क्वायर माइनस स्मॉलर एरिया का स्क्वायर, इन दोनों में जो नेगेटिव टर्म आएगा, और नेगेटिव में हमेशा जो हायर है माइनस लोअर करेंगे, क्योंकि हायर माइनस लोअर नहीं करोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। ये जो पूरा टर्म है ये क्या देगा, वॉल्यूम फ्लो रेट देगा, जहाँ पे सारी जो चीजें है ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती है, डेल्टा एच निकाल लेते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, यानी यहाँ इसका काम क्या होता है ना, ये जो भी डिवाइस है पाइप काटो वहां पे लगा दो, जो भी बीच में लगाओगे हाइट का डिफरेंस आएगा वो मेजर कर लो, वॉल्यूम फ्लो रेट निकाल लो। ठीक है, नोट में लिख लो, लेकिन वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू अ पाइप, वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू अ पाइप डिपेंड्स ऑन प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, क्यों जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नंबर टू डिपेंड्स ऑन, ओके पाइप का जो रेडियस है उस पे डिपेंड करेगा, क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r^4। अगर से भी कंपैरिजन करके देख सकते हो, इधर एक रेडियस आएगा इधर एक रेडियस आएगा, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आर का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब लेंथ का। तो वहां से कंपेयर अगेन, इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, ये सब चीज आया कहां से, तो याद रखना डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पाइप,
कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी तक नहीं आया तो मेरे चांसेस बहुत कम है। प्रेशर डिफरेंस बढ़ाते हैं बॉलिंग फ्लो रेट होता है, रेडियस अगर बढ़ाओगे तो उससे भी बॉलिंग फ्लो रेट जो होगा क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन जो रिलेशन है वो क्या है रेडियस टू द पावर फोर। वैसे ही अगर लेंथ इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या हो जाएगा घट जाएगा, ठीक है ना। ये तो ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जैसे ये एक टैंक है तुम्हारा, अगर एक छोटा सा पाइप यहाँ पे कनेक्ट करें हैं और इसी पाइप को अगर बड़ा कर देते हैं तो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो क्या होता है कम हो जाता है। ये सारे लेसन याद रखना, अगेन बोलना है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन है वो कैसा आएगा कंपेरिजन बेस्ड आएगा। जैसे बोल दिया कि एक पाइप है जिसका लेंथ एल है, दूसरा पाइप है जिसका लेंथ टू एल है, या उसका रेडियस टू टाइम्स से डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ वॉल्यूम फ्लो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या सकते हैं। ठीक है, कहाँ से, हाँ तभी तो बता रहे हैं चांसेस बहुत कम है यहाँ से पूछने। पूरे नीट में फ्लूइड से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, 2019 में पूछा था, 2018 में नहीं पूछा था, 2017 में पूछा था, 16 में है, बहुत कम इधर से क्वेश्चन आते हैं, एक आते हैं नहीं भी आते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ, ये दूसरा एप्लीकेशन, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। दूसरा एप्लीकेशन है बर्नौली का, इसमें अगेन हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी सारे जो एप्लीकेशन है वो बस थ्योरेटिकल बेस्ड होते हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड होते हैं, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। जैसे मैग्नेट इफेक्ट हो गया, बॉल जो होता है वो स्विंग क्यों करता है, या फिर जो कोई बॉल होता है ट्रैजेक्टरी से पहले ही क्यों गिर जाता है क्रिकेट बॉल में, या फिर जो भी ये विंडो होता है जब एयर ब्लो होगा तो विंडो टूट के अंदर की तरफ क्यों आता है, ठीक है। ये सारे जो इफेक्ट है ये किसके अंदर आएंगे, बर्नौली इफेक्ट के लिए आएंगे, लेकिन अगेन इस केस में तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। जैसे पूछ दिया कि जो मैग्नेस इफेक्ट है वो किसका एप्लीकेशन है, बर्नौली का। देखते हैं इफ्लक्स में क्या होता है, जैसे एक टैंक है, टैंक में हाइट इस तक एक फ्लूइड भर के रखता हूँ, जो पाथ फ्लूइड फॉलो कर रहे होगा ऐसा होगा पैराबोलिक हो गया, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, जो भी चीजें होंगी फ्लक्स के साथ जो यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, लेकिन ग्रेविटी के चलते पाथ कैसा होगा पैराबोलिक हो जाएगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल यहाँ पे वैलिड रहेगा, जाकर के भी ग्राउंड को हिट करेगा यहाँ पे। पहला हमारा काम है वेलोसिटी निकालना, कितने वेलोसिटी से फ्लूइड बाहर आए, तो उसी को क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं, क्योंकि वाटर यहाँ से जो बाहर आता है फ्लक्स होगा, उसकी वेलोसिटी निकालनी है। इसमें भी काम करना होता है, इसको मानते हैं पॉइंट वन और यहाँ इसको मानते हैं पॉइंट टू, यहाँ पे पॉइंट वन है और यहाँ पे कितना है पॉइंट टू है, ठीक है। अब पॉइंट वन पे जो प्रेशर होगा वो कितने के बराबर होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर। पॉइंट टू पे भी फ्लूइड कहा गया बाहर आ गया, पॉइंट टू पे फ्लूइड कहा गया होल से बाहर आ गया, तो उस पे भी प्रेशर कितना हो गया पी नॉट के बराबर हो गया, यानी वन और टू दोनों जगह प्रेशर क्या हो गया सेम आ गया। अब बर्नौलीज इक्वेशन में पॉइंट वन का भी प्रेशर सेम हो गया, पॉइंट टू का भी प्रेशर सेम हो गया। अब यहाँ देखो हाइट का डिफरेंस आएगा, जैसे अगर पॉइंट वन की बात करोगे और पॉइंट वन, पॉइंट वन के लिए अगर टोटल एनर्जी लिखे, टोटल एनर्जी पर वॉल्यूम, वॉल्यूम तो क्या लिख सकते हैं पी नॉट प्लस वन बाई टू रू बी वन स्क्वायर प्लस
होगा कब, जब यहाँ पे रेफरेंस माने तो रेफरेंस हम कहाँ मान रहे हैं, टू पे ही रेफरेंस मान रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई मानता रेफरेंस तो कितना लिखता, कैपिटल एस लिखता। कोई अगर रेफरेंस कहाँ ले लेता, बॉटम पे ले लेता तो हाइट कितना लेता, कैपिटल एस लिखता। लेकिन हमने रेफरेंस कहाँ ले लिया, पॉइंट टू से पास करता हुआ रेफरेंस ले लिया, तो कितना इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में पॉइंट वन कितना ऊपर है, स्मॉल एच ऊपर। तो ये लिख सकते हैं, ये तुम्हारा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें भी देखो एक चीज होता है कि अगर ये जो एरिया है, ये जो ओपन एरिया है, मतलब ट्यूब का जो भी तुम्हारा टैंक है उसका जो एरिया है, इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, अगर ए वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट ए टू, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से तुम्हें क्या मिलेगा, बी वन इज वेरी वेरी लेस देन व्हाट ए टू, कर सकते हैं। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में एरिया दे देता है, जैसे यहाँ का एरिया दे दिया, यहाँ का एरिया दे दिया, तब हमें बी वन बी टू दोनों कैलकुलेट करना होता है। और अगर क्वेश्चन में ए वन नहीं दिया हुआ है, बताया ही नहीं कि इसका एरिया कितना है, फिर क्या करेंगे, सीधे बी वन को निगलेक्ट कर देंगे, वेलोसिटी वन अपने मन से क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। अगर क्वेश्चन में ए वन नहीं गिवन है तो, क्योंकि ए वन नहीं दिया हुआ ना, तो तुम किसी भी कीमत पे वी वन वी टू का रिलेशन नहीं बता सकते, क्योंकि रिलेशन लाने के लिए हमें कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज करना होता है। और अगर ए वन नहीं दिया तो कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगा नहीं, नहीं लगेगा, इसका मतलब वी वन अपने मन से हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। दिया है, कैलकुलेशन करेंगे किस तरीके से, इधर से जो करते हैं। वैसे अगर पॉइंट टू का देखोगे, फॉर पॉइंट टू, पॉइंट टू के लिए टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, पी नॉट प्लस वन बाई टू रू बी टू स्क्वायर प्लस एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि यही पे क्या हमने कर लिया, रेफरेंस ले लिया, यहाँ से दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए दोनों केस में। पॉइंट वन का टोटल एनर्जी, पॉइंट टू का टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर दोनों सेम है तो पी नॉट प्लस वन बाई टू रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कितना होगा, पी नॉट प्लस वन बाई टू रो टू स्क्वायर। अब पी नॉट एक दूसरे की तरफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो भी वेलोसिटी टू स्क्वायर जो होगा, वेलोसिटी वन स्क्वायर प्लस टू इंटू एच, रो रो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये तुम्हारा बिना किसी अजम्पशन का इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन यहाँ से आ रहा है। अब देखो ये जो इक्वेशन है ना, इसको बोल सकते हो ये 1D का इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है, 1D का इक्वेशन है, जहाँ पे Vs, हाँ, तो जो भी चीज हो रहा है ना, यहाँ पे V1 V2 उसका जो रिलेशन है, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है V2 है, रिलेशन कैसे निकलेगा, 1D का जो थर्ड इक्वेशन था उससे निकाल सकते हो, क्योंकि हाइट में जो डिफरेंस है पॉइंट वन और पॉइंट टू का वो कितना है, वर्टिकल एक्सेलेरेशन कितने का हो रहा है, जी का हो रहा है। लेकिन सवाल में अगर तुम्हारा ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है, अगर ये कंडीशन अप्लाई होगा तो दिस इक्वेशन कैन बी सिंपली रिटन एज v2 इक्वल्स टू रूट ओवर 2gh। डायरेक्टली वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हो कि जो भी फ्लक्स आएगा वो कितने से बाहर आएगा। अब ये तभी यूज करेंगे, यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ और यहाँ पे भी स्टार लगा दे रहा हूँ, जब ये होगा तभी ये यूज करेंगे, नहीं होगा ऐसा सिचुएशन क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा। जैसे मान लो सवाल में दे दिया कि ए टू ए वन जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ए वन जो है वो है 0.1 mm स्क्वायर, ऐसा दे दिया तुमको, फिर यूज करना पड़ेगा, तब ये यूज करेंगे। और अगर नहीं दिया हुआ तो क्या यूज करेंगे, डायरेक्टली ये यूज कर सकते हैं।
जैसे कंटेनर है उसको ग्राउंड पे ही रख दो। कंटेनर को इस बार कहाँ रख के देख रहे हो? ग्राउंड पे रख के देख रहे हो। यहाँ पे अगर होल करोगे तो डाइल्यूशन फॉलो करेगा। बी वेलोसिटी अगर ये हाइट एच है, बी जो होगा कितना होगा? 8 2 GH। बस इधर से ही देख लेंगे। केस में ये जो लेंथ है इसको क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। और रेंज होता क्या है? रेंज जो भी है की वैल्यू, अगर ये टोटल कितना है, टोटल है तुम्हारा कैपिटल एच। इसके लिए एक फॉर्मूला होता था जिसको यू रूट ओवर 2H/G यूज करते थे, याद है? तो जेंटल प्रोजेक्टाइल के केस में ये फॉर्मूला यूज करते थे रेंज निकालने के लिए। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर हाइट एच से बॉल को फेंक रहे थे, यू वेलोसिटी से, तो रेंज कितना आ रहा था? ये फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे कितने हाइट से फेंका गया हुआ, यहाँ पे फेंका हुआ है कैपिटल एच माइनस एच से फेंक रहा है, तो जो भी वैल्यू है यू की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? रूट 2GH पुट कर सकते हैं इनटू 2। अब एच की जगह और क्या लिख सकते हो? ये जो कैपिटल एच डैश इसको मैं करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ से होगा एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाई जी होगा, तो 2 कॉमन आ जाएगा। रेंज जो होगा आर, इट विल बी 2 इनटू रूट ओवर जी स्मॉल एच इनटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच डिवाइडेड बाय जी, कैंसिल आउट हो गया। तो ये तुम्हारे पास क्या निकला? रेंज का फॉर्मूला है। अब इसमें ये एक चीज और देख लेंगे कि अगर हमने होल, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है दो चीज का, एच इंटू एच माइनस एच का, तो अभी होल जो है कितने ऊपर से कर रहा है? एच ऊपर से एच स्मॉल एच नीचे कर रहा है। अगर ऊपर से कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच नीचे करते ना, मान लो यहाँ पे होल करते, तो भी ये जो रेंज आता वो क्या आता? सेम आता, क्योंकि इधर देखोगे तो एक बार जब तुमने होल कितना ऊपर करा, होल करा है एच, तो नीचे ये जो वैल्यू है, अगर ये टर्म कितने के बराबर हो जाए? एच माइनस एच के बराबर हो जाए, उस केस में भी जो रेंज होगा वो क्या आएगा? सेम ही होगा, क्योंकि बस टर्म इंटरचेंज हो जाएगा। जब U पहले वाले केस में कितना आ रहा है? 2GH आ रहा है। अभी कितना नीचे करते हैं? H माइनस H करते हैं तो ये H माइनस H आता, लेकिन अंदर वाले जगह पे क्या आता है? स्मॉल H आ जाता, क्योंकि अभी ये जो हाइट है ये कितना हो गया? स्मॉल H के बराबर हो गया। इसलिए तुम होल यहाँ पे करो या फिर होल यहाँ पे करो, जो रेंज होगा वो क्या होगा? सेम होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? यानी 10 मीटर का, समझ लो एक 10 मीटर का तुमने कंटेनर लिया हुआ है और उसमें एक बार होल करा कितना, मान लो 3 मीटर पे, तो नेक्स्ट होल कब कर सकते हैं ताकि रेंज सेम आ जाए? 7 पे, यानी 3 पे जो होल कर रहे हो ऊपर से, और ऊपर से 7 पे जो होल कर रहे हो उसके लिए जो रेंज आएगा क्या आएगा? सेम आएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे? हो गया, चलो मैग्नेट इफेक्ट समझा दे रहे हैं, बाकी सारी चीजें थ्योरी में हम पढ़ लेना। तुम्हारे बुक में लगभग एग्जांपल दिया हुआ, कितना? 10 एग्जांपल दिया हुआ मॉड्यूल में, 10 एग्जांपल दिया हुआ है, रीड करोगे समझ में आएगा। एक थोड़ा मैग्नेट इफेक्ट में समझा दे रहा हूँ कि क्या होता है। जैसे देखो जब भी क्रिकेट में बात करते हैं तो स्विंग
जो फास्ट बॉलर होता है वो स्विंग करवाता है, स्विंग का मतलब है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो बॉल है ना वो ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा, ऐसे घूमते हुए जा रहा है। तो होता क्या है कि तुमने एक प्रोसेस देखा होगा, जब भी बॉल टेस्ट मैच होता है तो बॉलर क्या होता है गेंद को घिसते रहता है, बॉल को क्या करेगा वो कंटिन्यूअली घिसेगा। अब घिसने से क्या होता है ना कि एक सरफेस स्मूथ हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि वो गेंद को दोनों साइड से खींच रहा होगा, एक प्रॉपर जिसको साइनिंग फेस बोलते हैं, जैसे जो क्रिकेट देखता होगा उसको पता होगा कि प्रॉपरली जो भी कमेंटेटर है वो स्मूथ साइड और रफ साइड यूज करते रहता है। तो स्मूथ साइड में जब घिसते हैं ना तो होता क्या, जैसे गेंद है, जब गेंद फेंकोगे तो इधर से हवा पास होगा और इसका जो दूसरा साइड है उधर से भी क्या होगा, हवा पास होगा। तो दो सरफेस है, जो भी बॉल है तुम्हारा उसका कितना सरफेस है, दो सरफेस, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। मान लो हमने इस सरफेस को घिस घिस के क्या कर रखा है, साइन करके रखा हुआ, इसको साइन कर देगा तो जब इधर से एयर पास होगा तो उसको रेसिस्टेंस कम लगेगा। जब भी इधर से पास हो रहा है वी वेलोसिटी से एयर पास होगा तो स्मूथ सरफेस पे जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा, विस्कोसिटी कम होगी, जिसके चलते इस साइड का जो वेलोसिटी होगा एयर का और इस साइड का जो वेलोसिटी होगा एयर का उसमें डिफरेंस होगा, इधर का वेलोसिटी ज्यादा और इधर का वेलोसिटी कम। अब इधर का वेलोसिटी ज्यादा है तो इस साइड का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। इधर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो इस साइड का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और उधर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो प्रेशर जब देखोगे, जैसे ये गेंद था, इस साइड का प्रेशर क्या होगा, पी वन है, और इस साइड का प्रेशर क्या है, पी टू है। इधर अगर पी वन इज ग्रेटर देन पी टू, पी वन क्या है तुम्हारा, पी टू से बड़ा हो जाए, ये कब करते हैं, साइनिंग करते हैं, क्योंकि जब वेलोसिटी जिस सरफेस पे ज्यादा रहेगा उधर साइन क्या है, ज्यादा है, वेलोसिटी जिधर ज्यादा उधर स्मूथ ज्यादा, यानी उधर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी पी टू जो है तुम्हारा ये साइनिंग फेस का प्रेशर है, जो भी फेस साइन कर रहा है उधर का प्रेशर जो तुम्हारा होगा साइन वाले सरफेस का क्या करोगे, जो स्मूथ सरफेस का जो भी प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा। इधर का प्रेशर कम है क्योंकि इधर वेलोसिटी ज्यादा थी, आप ये जो प्रेशर है उसके चलते एक फोर्स आएगा, इस प्रेशर के भी चलते क्या आएगा, फोर्स आएगा। अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 है तो एक अनबैलेंस फोर्स आता है डेफिनेट इस डायरेक्शन में, यानी बॉल को जब हमने हवा में फेंक दिया ना उसके बाद भी उस पे क्या लग रहा है, एक नेट फोर्स लग रहा है, और उस नेट फोर्स को क्या करेगा, लेकर के वो डेविएट होगा, और उस डेविएशन को क्या बोलते हैं, स्विंग बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस देखते हो कि बॉलर ये सारे काम करते हैं, तो बॉल को स्मूथ कर सकते हो, बॉल को जितना तुमको स्मूथ करना है एक सरफेस स्मूथ कर लो। प्रोसेस क्या, आईसीसी का रूल है कि तुम उसको रफ नहीं कर सकते हो, रफ जैसे बहुत सारे खिलाड़ी थे जिसने यूज करा है रफ करने के लिए, सैंड पेपर इंसिडेंट तुमने सुना ही होगा, और जो अफरीदी था उसने बॉल को दांत से काट दिया था रफ करने के लिए। तो ये सारे जो प्रोसेस है वही, रफ नहीं कर सकते हो, जितना स्मूथ करो स्मूथ कर लो, क्योंकि स्मूथ करके हम तो बॉल को क्या कर रहे हैं, जितना स्मूथ करेंगे स्विंग होने के जो चांसेस होते हैं क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कभी कभी देखते हो कि जो भी बॉलर है वो बॉल को हाइड करके भी दौड़ता है, वो हाइड करके क्यों दौड़ता है, ताकि वो चाहता है कि बैट्समैन को उसका साइनिंग फेस किस तरीके से दिखे नहीं, क्योंकि बॉल को इन स्विंग भी करवा सकते हैं और आउट स्विंग भी करवा सकते हो, जिधर तुमने रखा हुआ है उधर की तरफ स्विंग होगा साइनी फेस, इसलिए क्या करता है वो हाइड करके रखता है, हाइड करके दौड़ेगा, बैट्समैन को पता नहीं चलेगा कि किधर स्विंग होने वाला, मे बी चांसेस होते हैं आउट होने के, ये मैग्नस इफेक्ट है। अब इसका यूज जो स्पिन बॉलर है वो कैसे करते हैं, क्योंकि स्पिन बॉलर के केस में देखोगे तो उनका वेलोसिटी ऐसे ही बहुत कम रहता है। स्पिन बॉलर जो है वो बॉल को घुमाता है, जैसे क्या करेगा वो इस तरीके का मोशन देता है, या तो वो जिसको स्पिन बोलते हैं, स्पिन बॉलर क्या करेगा कि बॉल को रोटेट करवाता है, या तो रोटेशन इस तरीके का हो सकता है या फिर रोटेशन इस तरीके का हो सकता है, डिपेंड करता है कि बॉलर किस तरीके है। तो जब ऐसा रोटेशन होगा ना तो समझना यहाँ पे जो वेलोसिटी, अब इसके पास दो तरीके की वेलोसिटी होगी, स्पिन भी करेगा और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करेगा, ये स्पिन भी कर रहा होगा और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी कर रहा होगा। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी देखोगे इट विल बी वी सी एम प्लस ओमेगा आर, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी ये होगा Vcm माइनस ओमेगा होगा, और या इस केस में देखोगे तो यहाँ की वेलोसिटी होगी Vcm माइनस ओमेगा आर, और यहाँ की वेलोसिटी जो होगी इट विल बी Vcm प्लस ओमेगा, वो डिपेंड करता है तुमने उसको स्पिन किस तरीके से करवाया। अब देखो टॉप सरफेस पे और बॉटम सरफेस पे वेलोसिटी क्या हो गया, अलग हो गया। टॉप सरफेस पे वेलोसिटी अगर ऐसा ही स्पिन करवा रहे हो तो टॉप सरफेस पे वेलोसिटी जो है कितना हो गया, ओमेगा Vcm प्लस ओमेगा, बॉटम पे क्या होगा Vcm माइनस ओमेगा। अगेन अगर दूसरे तरीके का स्पिन करवाए तो ऐसा होगा। अब एक का किसी एक का बात करते हैं, जैसे इस वाले का हम बात करें,
तो यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर टॉप सरफेस पे जो वेलोसिटी है, मान लो ये क्या है v1 है और ये क्या है तुम्हारा v2 है, तो यहाँ से v1 जो होगा इट विल बी लेस देन व्हाट v2, और बर्नौली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, जो प्रेशर होगा p1 इट विल बी ग्रेटर देन व्हाट p2। यानी जब भी ऐसा स्पिन करवाते हैं हम बॉल को, जब भी इस तरीके का स्पिन होगा तो ऊपर का जो प्रेशर लग रहा होगा p1, और नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा p2, इन दोनों में क्या होगा डिफरेंस होगा, p1 इज ग्रेटर देन व्हाट p2, तो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब जो बॉल यहाँ से रिलीज हुआ नॉर्मल टेंडेंसी में वो गिरता कहाँ, इधर पे जाकर के, लेकिन जैसे ही स्पिन करवाया इस तरीके का, इस तरीके से घुमा करके फेंका, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगने लगा, और ये एफ नेट जो है ना बॉल को कहाँ गिरा देता है, पहले ही गिरा देता है, जो अगेन जो बैट्समैन वो डिसीव हो जाता है, उसको वो मतलब गेस करके रखता है कि बॉल कहाँ गिरेगा, यहाँ बल्ला चलाया छूट गया और या तो स्टंप हो गया या फिर बोल्ड हो गया। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है वो स्पिन गेंदबाज यूज करते हैं। इधर स्विंग वाला प्रोसेस जो है उसमें साइनी और रफ सरफेस का खेल होता है जो कि फास्ट बॉलर यूज करते हैं, और इस पूरे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, मैग्नस इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरीके से के बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे मोशन ऑफ ए पिंग पोंग बॉल या फिर एरोफॉइल, एरोफॉइल में ज्यादा इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। एरोफॉइल में क्या होता है, एरोफॉइल एक ऐसा शेप है जो अगेन प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है, जो भी हमारा जैसे एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन में एरोफॉइल शेप यूज करते हैं ताकि क्या हो, जैसे इस तरीके का शेप बनता है, इस तरीके का शेप बनाएंगे, और इस तरीके के शेप में क्या होता है कि जब एयर ब्लो होगा ऊपर से और एयर ब्लो होगा कहाँ से, नीचे से, तो वेलोसिटी में क्या होता है डिफरेंस होता है। एरोफॉइल शेप इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे एयर इधर से आ रहा था, एयर अब जो आया वो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और जब डिवाइड होगा तो इधर का वेलोसिटी v1 और इधर का वेलोसिटी v2 चेंज हो जाएगा। जैसे ही वेलोसिटी मान लो v1 इज ग्रेटर देन व्हाट v2, सो p1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, यानी इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो p1 है और इधर से जो प्रेशर लग रहा है क्या है तुम्हारा p2 है। अब v1 v2 दो वेलोसिटी का इसमें डिफरेंस क्रिएट करा हमने एरोफॉइल शेप से, इसके चलते प्रेशर में क्या आएगा डिफरेंस आएगा। अब p1 जो हो गया वो तुम्हारा छोटा हो गया, p2 क्या हो गया ज्यादा हो गया, इसके चलते नेट फोर्स किधर लगेगा ऊपर की तरफ। यानी इस तरीके का अगर तुमने सिचुएशन जनरेट किया जहां v1 इज ग्रेटर देन व्हाट v2, ऐसे केस में नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसके चलते अपलिफ्ट होगा, जो भी बॉडी है वो तुम्हारा क्या होगा, जैसे एरोप्लेन है, एरोप्लेन किधर की तरफ जाएगा, नेट फोर्स ऊपर लगेगा तो लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। अगर इसको रिवर्स कर दे, v2 इज ग्रेटर देन क्या कर दे v1 कर दे, रिवर्स होता है शेप उल्टा होता है तो क्या होगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एरोफॉइल शेप जो भी होता है, जैसे सबमरीन में यूज कर सकते हैं हम, सबमरीन में भी अप डाउन मोशन करना होता है तो एरोफॉइल लगाते हैं एरोफॉइल के चलते, या फिर जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट है उसमें भी एरोफॉइल लगा करके रखते हैं। जो भी विंग्स या प्रोपेलर है, ये जो भी शेप है ये कहाँ लगा रहेगा, विंग्स, जो भी अगर एरोप्लेन देखो तो जो भी वो होता है आर्म होता है उस पर ये शेप लगा रहता है ऐसा, इसी के अंदर विंग्स होता है जो क्या करता है रोटेट करता है, रोटेट करने का काम क्या होता है उसका एयर पास करवाना है, एयर पास करवाएगा इसके चलते अगर लिफ्ट या डाउन करवाना होगा तो उसके लिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कराएंगे, और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करा के उसको लिफ्ट करा लेंगे। अगर कॉन्स्टेंट हॉरिजॉन्टल हाइट पे चल रहा है, हाइट को कॉन्स्टेंट करना है, यानी वी वन वी टू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ना तो लिफ्ट कर रहा होगा ना तो डाउन कर रहा होगा। तो ये सारे जो एप्लीकेशन है ये बर्नौली के हैं। अगेन बर्नौली जो होता है वो साथ ही साथ किसके लिए यूज होता है, आइडियल फ्लूइड के लिए यूज होता है। बर्नौली इक्वेशन में साफ साफ लिखा हुआ है ना किसके लिए है, क्योंकि लॉसेस को वो कंसीडर नहीं करता है, जो भी विस्कोसिटी के चलते लॉस हो रहा है या फिर बाकी सारी चीजों के चलते जो लॉस हो रहा है वो यूज नहीं करता। तो रियल लाइफ में जब हम बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तो उसमें लॉस वाले टर्म भी ऐड करके लगाते हैं। एप्लीकेशन रीड कर लेना बस समझ में आ जाएगा। वैसे ही एक वो जो छप्पर उड़ने वाला फैक्टर है वो सारी चीजें, या फिर खिड़की टूटने वाला जो फैक्टर है वो पढ़ लेना। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ, ये खत्म होगा फिर तुम्हारा 11 का सिलेबस खत्म, तो लिखेंगे तो ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारा।
देखो तुमने पढ़ा है कि विस्कस फोर्स जो होगा, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। डायरेक्शन के टर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि अगर बॉल इधर की तरफ मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा किधर लगेगा, पीछे की तरफ। इसलिए विस्कस फोर्स जब मैथमेटिकली वाइज किस फॉर्म में लिखते हैं, हाँ, जब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो f विस्कस जो होगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहे हो तो लिख सकते हो f b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंपली व्हाट, वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो विस्कस फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर इस साइन को हटाओगे तो एक कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो विस्कस फोर्स को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, तो एफ बी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी वी वेक्टर, जिसको हमने यूज करा था। अगर याद होगा तो हमने एस एच एम में इसको यूज करा था, एस एच एम में जब हमने डैम्पिंग फोर्स वाला सिचुएशन पढ़ा था, तो डैम्पिंग फोर्स के जगह पे, डैम्पिंग फोर्स के केस में एक फोर्स आया था जिसको हम क्या लिख रहे थे, बी वी के बराबर लिख रहे थे, याद है। तो जो भी विस्कस फोर्स है वो बराबर किसके होता है, माइनस बी वी। अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखो तो बस क्या लिख सकते हो, और एफ बी जो होगा वो बी इंटू बी के बराबर होगा, जहां बी क्या तुम्हारा कांस्टेंट है जो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बी कांस्टेंट है जो किस पे डिपेंड करेगा, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इसी बी का जो कैलकुलेशन है ये एक्सपेरिमेंटली करते हैं, जो b कांस्टेंट आ रहा है इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, एक्सपेरिमेंटली होता है। और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन करा है स्टोक्स ने एक स्पेशल शेप का, जिसको स्फेरिकल शेप कहते हैं, और उस स्फेरिकल शेप के लिए उसने b की वैल्यू बता दी। और बहुत सारे जो बॉडीज है, जैसे स्क्वायर शेप अगर मोशन कर रहा होगा, या फिर सिलिंड्रिकल शेप का अगर मोशन हो रहा होगा, तो उस केस में उस पे जो विस्कस फोर्स लगेगा वो तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टोक्स ने मेहनत करा और एक जो स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के लिए पी की वैल्यू कितनी होगी उसने बताई। और इसलिए जो भी फॉर्मूला वहां से आता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोक्स लॉ बोलते हैं। ये तुम्हारा स्टोक्स लॉ नहीं है, स्टोक्स लॉ कब आएगा, जब लिखेंगे तो लिखना, वेयर वेयर बी इज कॉन्स्टेंट, वेयर बी इज कॉन्स्टेंट, where b is constant, which depends on viscosity of the fluid, which depends on viscosity of the fluid, comma shape of the object, viscosity of the fluid, comma shape of the object, fluid की जो viscosity है उस पर depend करेगा, और साथ ही साथ सेप पे डिपेंड करेगा। तो सारे सेप के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे बस स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो लिखना, फॉर ए स्फेरिकल बॉडी एंड फॉर ए स्फेरिकल बॉडी एंड फॉर ए स्फेरिकल बॉडी फॉर ए स्फेरिकल बॉडी दिस कॉन्स्टेंट वॉज गिवन बाई स्टोक्स, दिस कॉन्स्टेंट वॉज गिवन बाई स्टोक्स, this constant was given by Stokes and p is equal to 6 pi meter into r। तो p है तुम्हारा किसके लिए, spherical body के लिए। मतलब कभी भी कोई spherical body अगर किसी fluid के अंदर चल रहा है तो उसके लिए b कितना यूज करेंगे, 6 pi meter into r, जहां n क्या है, viscosity है, coefficient of viscosity। इसका fluid का और r क्या है तुम्हारा, radius of the sphere, तो ये तुम्हारा sphere है। जैसे ही b पता चल गया ना स्फेरिकल बॉडी के केस में, तो हम उस पर लगने वाला क्या निकाल सकते हैं, विस्कस फोर्स। सो नीचे लिखना, सो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉल, सो विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉल मूविंग इनसाइड अ फ्लूइड, एक्टिंग ऑन ए स्फेरिकल बॉल मूविंग इनसाइड अ फ्लूइड
spherical ball moving inside a fluid is given as FG is equal to 6 pi theta r into जब भी क्या वेलोसिटी ऑफ द बॉल घूमने वेलोसिटी ऑफ द बॉल जिस वेलोसिटी से बॉल का मोशन हो रहा हो यानी जो फोर्स है वो ईटा पे डिपेंड करेगा रेडियस पे डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा लेकिन जो कांस्टेंट है पी वो किस पे डिपेंड करेगा ईटा पे और आर पे और इसी को क्या बोलते हैं स्टोक्स लॉ बोलते हैं और ये हर बार नहीं दिखता है जैसे भी की वैल्यू बहुत कम है भी का जो वैल्यू है क्या हो गया बहुत ही कम है तो मे बी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आर को ये एफ बी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो जो भी मोस्ट ऑफ द केसेस जब जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था ना तो इस चीज को क्या करके रखा था नेग्लेक्ट करके रखा था क्योंकि वेलोसिटी इस केस में बहुत कम रखते हैं क्योंकि ईटा अगर तुम्हें याद होगा ईटा था 0.1 के आसपास पास्कल सेकंड ये वैल्यू क्या है बहुत छोटा है तो अगर ये छोटा है ना तो ये पूरे टर्म को क्या कर देगा ऐसे ही छोटा करके रखेगा तो वेलोसिटी अगर बहुत कम होती है जैसे अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो तो विस्कोसिटी की वैल्यू क्या आती है बहुत ही कम आती है इसलिए हम इसको क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस जब हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था या जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उस केस में साफ साफ लिखा हुआ था कि फ्रिक्शन ड्यू टू एयर इज व्हाट नेग्लेक्टेड अगर नेग्लेक्ट नहीं करते तो ये दिखाना पड़ता और ये वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में लगता है साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी है लेकिन एक जगह है जहाँ ये काम करता है एक जगह इसको दिखाना पड़ेगा अगर इसको नहीं दिखाओगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा जैसे क्लाउड्स हैं क्लाउड से जब भी तुम्हारा वाटर ड्रॉप आता है क्लाउड का जो हाइट है उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो जो ये वाटर ड्रॉप यहाँ से गिरा ना अगर विस्कोसिटी उस पर नहीं देखोगे नहीं काउंट करोगे तो जब ये नीचे पहुंचेगा ना हाथ लगाओगे वो हाथ छेद करके नीचे पार हो जाएगा उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा रहेगी ठीक है लेकिन ऐसा होता नहीं है कि बच्चा खेलते खेलते बारिश हो रहा है हाथ निकाला हाथ ही नहीं है ऐसा नहीं होता है ना तो पक्का है कि उस पर क्या लग रहा होगा इसका फोर्स लग रहा होगा क्योंकि जब भी नीचे की तरफ आएगा जब नीचे आते तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा इसका फोर्स बढ़ेगा तो वाटर ड्रॉपलेट के केस में जब हम देखते हैं इस पे नेट फोर्स तो एक तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है दैट इज mg एक फोर्स ऊपर और लग सकता है बायंसी फोर्स क्योंकि ये हवा में एक दूसरा बॉडी है फ्लूइड है तो इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है fg जो कि बायंसी फोर्स है साथ ही साथ एक और फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ क्या विस्कस फोर्स जिसकी वैल्यू fg से रिप्रेजेंट कर रहा है अब जहां से ड्रॉप चलना शुरू हुआ ना वहां पे ये नहीं था ये दिखना कब शुरू होगा जब नीचे नीचे आना शुरू होगा क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा टाइम के साथ बढ़ेगा ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है ये दोनों चीज क्या है कांस्टेंट है बढ़ कौन रहा है ये स्टार्टिंग में तो हमको बस ये दोनों दिख रहा होगा बॉडी नीचे आ रहा है यानी एम जी ज्यादा है बॉडी स्टार्टिंग में ये नहीं था बॉडी नीचे आ रहा है तो एफ बी से एम जी ज्यादा है तब ये क्या हो रहा है नीचे आ रहा है जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ने के चलते ये जो टर्म है ये क्या होगा इंक्रीज होगा यानी नीचे आते आते एक ऐसा टाइम आएगा कि जो तुम्हारा एम जी हो वो किसके बराबर हो जाए एफ बी प्लस एफ बी के बराबर हो जाए और जैसे ये बराबर होगा अब नेट फोर्स कितना हो गया इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया मतलब उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट हो जाएगी मतलब जैसे ये तीनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दिए उसके बाद का जो मोशन होगा दैट मोशन विल बी विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो आफ्टर सर्टेन हाइट जो वेलोसिटी है वो बढ़ता ही नहीं है वो क्या रहता है कॉन्स्टेंट रहता है टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर रहता है उसके बाद हाथ करते हो ड्रॉप आकर के आराम से रुक जाता है फेंकते रहते एक दूसरे के ऊपर अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो क्या होता फिर फेंकने के लिए हाँ फेंकने के लिए हाथ ही नहीं होता ना हाथ से जिंदगी का क्या मतलब तो लिखना नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ये लास्ट टॉपिक स्टोक्स का एप्लीकेशन है टर्मिनल वेलोसिटी
लिखना टर्मिनल वेलोसिटी में, लिखना व्हेन 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 अ सॉलिड फॉल्स अंडर फ्लूइड, व्हेन अ सॉलिड फॉल्स अंडर फ्लूइड, व्हेन अ सॉलिड फॉल्स अंडर फ्लूइड, फॉल्स अंडर फ्लूइड, हाँ फ्लूइड के इनसाइड कोई भी फ्लूइड हो सकता है, एयर भी ले सकते हो, वाटर भी ले सकते हो, बस उसमें क्या होना चाहिए, एक सॉलिड फॉल होना चाहिए। फॉल होने का मतलब है मोशन किसके अंदर हो रहा है, ग्रेविटी के अंदर हो रहा है, जिसको फ्री फॉल ऐसे में नहीं बोलते थे, उसी को अभी चीज को कहा गिरा रहा है लिक्विड के अंदर, फॉल्स अंदर फ्लूइड। लिखना थ्री फोर्सेस ब्रैकेट में लिख सकते हो वेट वेट कॉमा बायंसी, वेट कॉमा बायंसी, वेट कॉमा बायंसी एंड विस्कस फोर्स एक्ट ऑन इट, वेट कॉमा बायंसी एंड विस्कस फोर्स एक्ट ऑन इट, कोलेस्ट्रॉल After some point, these three forces balance each other. And therefore, velocity of the body remains constant after that. After that point, remains constant. It is known as. Velocity remains constant. Velocity of the body, okay. Velocity remains constant. हो गया. After that, it is known as terminal velocity. ठीक है. तो हम थ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कब का, जब इस पे नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया तब का थ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अभी बाकी सारे से मतलब नहीं है. तो जो भी mg है, mg को लिख सकते हो रो इनटू v, v क्या तुम्हारा 4/3 पाई आर क्यूब इनटू g, ठीक है. जो भी वेट है उसको इस टर्म में लिख सकते हो, और ये जो डेंसिटी है बॉडी का है इसलिए b लिख सकते हैं. रो b लिखने का मतलब है डेंसिटी ऑफ द बॉडी. सिमिलरली ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा fb, लेकिन जब fb जो होता है उसमें जो फोर्स काउंट करते हैं उसमें डेंसिटी किसका लेते हैं, फ्लूइड का. तो रो इनटू एफ फ्लूइड का जो डेंसिटी होगा वो, और साथ ही साथ जो वॉल्यूम है ना वो पूरा का पूरा लिक्विड में डूबा हुआ है, तो यही यूज होगा. ये पूरा जो बॉडी है वो कहाँ डूबा हुआ है, लिक्विड में, पूरा मोशन ही लिक्विड के अंदर हो रहा है, तो वॉल्यूम तो दोनों सेम ही रहेगा, तो पाई आर क्यूब सेम रहेगा इंटू जी. ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं. एक और फोर्स लग रहा है एफ बी, और एफ बी क्या होता है 6 पाई मीटर आर थी टी. टी क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल शो करने के लिए. यानी जब तुम्हारा नेट फोर्स जीरो है तो ये तीनों फोर्सेस पे काम कर रहा है. अब डायरेक्शन तुमको दिख रहा है, मोशन अगर नीचे की तरफ हो रहा है, ये बॉल वीटी वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये तीनों फोर्स क्या रहेगा, सेम एक दूसरे को बैलेंस करेंगे. और एक दूसरे के बैलेंस जब कर रहे हो तो ऊपर लग रहा है कौन कौन सा फोर्स, तो लिख सकते हो
रो बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी बराबर किसके होगा, रो एफ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी प्लस 6 पाई बीटा आर बी टी। बी टी निकालना है तो बाकी सारे चीजें एक तरफ कर लो, तो बी टी जो होगा यहाँ से विल बी जो जो कॉमन हो रहा है कॉमन कर लेना, 4/3 पाई आर क्यूब ई कॉमन हो रहा है, रो बी माइनस रो एफ डिवाइडेड बाई वो 6 पाई बीटा आर। वेलोसिटी जो होगा टर्मिनल वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, सिंपलीफाई करोगे तो ऊपर 2 बचेगा नीचे आएगा क्या 9, तो 2/9 एक आर से एक आर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर जी पाई से पाई भी चला जाएगा, पाई को हटा दो तो बचेगा क्या जी बाई, ठीक है 2g 9 बीटा इंटू आर स्क्वायर इंटू रो बी माइनस रो टू बाई नाइन जी आर स्क्वायर बाई बीटा रो बी माइनस रो एफ, रो बी बॉडी का डेंसिटी रो एफ फ्लूइड का डेंसिटी टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, और इस केस में अगर ग्राफ प्लॉट करोगे नोट में लिख सकते हो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर इस केस में प्लॉट करोगे तो जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है, इधर वेलोसिटी इधर टाइम, हाँ आर जो है वो बॉडी का रेडियस, अगेन स्फेरिकल का ही कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि और किसी बॉडी के लिए ये फोर्स निकाल ही नहीं सकते हैं, जैसे अगर क्यूब फॉल कर रहा है ना तो क्यूब पे कितना क्यूब का टर्मिनल वेलोसिटी कितना होगा वो तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके लिए बी पता ही नहीं है अभी तक के लिए पूरे फ्लूइड में, यानी मतलब जो भी साइंस है ना उसमें बात करोगे बी बस किसके लिए पता है, स्फेरिकल बॉडी के लिए पता है, स्फेरिकल बॉडी के लिए स्टोक्स ने निकाला बहुत मेहनत के बाद, तो वो यूज करते हैं, या जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जिस तरह ग्राफ जाता है उस टाइम बाद क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी पीटी के बराबर हो जाएगी, यानी ये जीटी है। चलो तो और कुछ बचा नहीं, इसी के साथ तुम्हारा ये जो चैप्टर है ये खत्म, और 11th को टाटा बाय बोलो, जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें क्या स्टार्ट करेंगे, 12th तो वैसे भी तुम्हारा स्टार्ट हो ही गया, तो फिर क्या सर इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही शुरू होगा, इलेक्ट्रो से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट से ही स्टार्ट करेंगे, पहला जो चैप्टर होगा वो इलेक्ट्रोस्टैट होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सर।